अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं एसएसए के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। नहीं नहीं, वो कचरा चेयरमैन साहब दो वक्त फोन कर रहे थे, जब आए तो तुम्हारी हमारी क्या सुनते। मेन रोड ये वाशी जो वहाँ से लेके भी आए तो बोल दो ना भाई, क्यों भाई खाली मेन रोड पे मारने लगा दे क्या मारे बोल के कचरा जान का मारे के झाड़ू की जला दी है कोई। और हरी मस्जिद के पास मस्जिद के सामने किसी गली में भी यहाँ खड़ा ना जो कुछ लोग हरी मस्जिद खड़ा है ये इपुड़ होने इधर कुछ नहीं कर रहे थे, मारने लगाए थे ना। नहीं नहीं मारे बेटे, दो जाने से अच्छा था लोगों के बाद में एक ही गली में पहले की बात है। ठीक है भाई, अब फरार हो गया ना। देखो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम सैयद हमीदुद्दीन कादरी है, मेरे बच्चे का नाम सैयद अलीमुद्दीन अकरम है, ट्रांसफॉर्म का इलेक्ट्रिशियन है। वो सुबह में ऐसा क्या है, बच्चा ऐसा क्या है, गर्मी था, यहाँ की लाइट गई हुई थी, जिसकी वजह से ऐसा क्या है, टेलीफोन किया लाइनमैन को, लाइनमैन ऐसा टेलीफोन पर ऐसा क्या है, बस अभी आ रहा हूँ बल्कि ऐसा बोल के आया। आने के बाद फिर बच्चों को मेरे टेलीफोन करके बुलाया, जरा आप मदद करो बोले, मदद करा तो उन्हें ऐसा लाइनमैन का काम था कि वो लाइनमैन ऐसा लाइट या करंट है उसमें नहीं है, पहले देखना, उसके बाद बच्चों को ऐसा क्या कुछ देना। मगर ऐसा कोई वो नहीं देखा, बच्चों को ऐसा ट्रांसफर पर चला दिया, लट के साथ ही वो करंट से ऐसा बच्चा ऐसा नीचे गिर गया, गिर कर पीठ हाथा पाँव अगर ऐसा जल गए उसके, जिसकी वजह से ऐसा क्या जैसा वो देखा, देखते ऐसा लाइनमैन भाग गया। उसका काम था कि आके घर में बोलना, बिल्कुल खरीफी बाजू घर है ना, बोला ही नहीं कराने उन्हें, घर पे से बुला के लेकर आके ऐसा क्या उन्हें ऐसे जैसा बच्चा गिरते ऐसे निकल के भाग गया। पहली गलती ये है लाइनमैन को बुलाना नहीं था उन्हें पहले बच्चे को अपने डिपार्टमेंट का, लाइनमैन की उन्हें लाइन बगैर बंद कराए के गलती। फिर उसके बाद ऐसे क्या उन्हें जैसा बच्चा गिरते ऐसे निकल के भाग गया, वो एक गलती। हम बच्चों को ऐसे क्या जरा घर पे तो बोलना, उन्हें घर पे भी नहीं बोला, कुछ नहीं क्या नहीं। फिर जैसा ऐसा घर के बाजू वाले बेचारे सामने ट्रांसफॉर्मर के सामने वाले वो देख कर ऐसा क्या करे, आके अपने हाथों से आता आग को बुझाए, उसके वो लोग बेचारी के भी हाथा जल गए। अब हमारा ये मुतालबा है कि लाइनमैन को फौरी सस्पेंड करना,
क्योंकि उन्हें बगैर लाइन बंद करे किए सरेंडर कराया गया था, पुलिस वाले लेकर जाके बिठाए गए थे उसको ट्रांसफार्मर पे चढ़ाया, बच्चे को शॉट लगने के बाद बच्चे को बगैर देखे किए उन्हें भाग गया। ये सबसे बड़े गलतियां हैं, ये लाइनमैनों को ड्यूटी इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें काम करना, प्राइवेट वालों को बुला के काम करने के आदेश नहीं दे रहे। अगर प्राइवेट वालों को काम कराना है तो ये लाइनमैनों को ड्यूटी से निकाल दो, निकाल के पूरा प्राइवेट कर दो। अभी लाइनमैन का नाम है वेंकैया, अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से अभी यही वगैरह कोई आए थे इधर, अभी यही सब आए थे, सब आए आके बोले कि उन्होंने भी कि हम लाइनमैन की वजह से सस्पेंड कर देते। अगर इतना है कि ये गफलत नहीं होना करना, और पुलिस वालों को भी ऐसे यही बोले तो बोले हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट को कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अच्छे के ऐसे जो भी है ट्रीटमेंट के ऐसे इंतजाम किया जाए। और हमारा हुकूमत से और एडमिट से मुतालबा है कि बच्चे का जो है अच्छे से अच्छा पूरा इलाज कराया जाए, और पुलिस डिपार्टमेंट से ये मुतालबा है कि उसके ऊपर फौरी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।